इसराइल हमास के बीच चल रही जंग को 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कई सालों से इसराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इस लड़ाई में कभी कुछ देशों ने इसराइल का साथ दिया तो कुछ देशों ने इसराइल का साथ छोड़ा। कभी इसराइल के खिलाफ दुनिया में कानूनी कार्रवाई करने की मांग हो रही है तो कहीं फिलिस्तीन को आजाद राष्ट्र का दर्जा देने पर। फिलिस्तीन को आजाद राष्ट्र का दर्जा देने वाले देशों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने इसराइल को बड़ा झटका दिया है। इन देशों ने फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देने के अपने फैसले की घोषणा की है, जिससे नाराज होकर इसराइल ने आयरलैंड और नॉर्वे से अपने राजदूतों को तत्काल प्रभाव से वापस बुला लिया है। विदेश मंत्री इसराइल कार्ट्स ने इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि नॉर्वे, आयरलैंड जैसे देश की फिलिस्तीन को मान्यता देना आतंकवाद को पुरस्कार देने जैसा है। उन्होंने कहा कि इसराइल अपनी संप्रभुता को कमजोर करने वालों के खिलाफ चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा कि स्पेन ने अगर फिलिस्तीन को मान्यता दी तो वो उचित कदम उठाएंगे। कार्ट्स ने यह भी कहा कि फिलिस्तीन को मान्यता देने का फैसला गाजा से बंधकों की वापसी और युद्ध विराम की कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हमारे नागरिकों के लिए सुरक्षा बहाल करना, हमास को खत्म करना और बंधकों को घर वापस लाना हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने स्पेन को धमकी भी दी कि अगर स्पेन ने इसी तरह का रुख अपनाया तो स्पेन से भी इजरायली राजदूत को वापस बुला लिया जाएगा। उधर नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गोरस्टोर ने कहा कि फिलिस्तीन को एक देश के रूप में पहचान देने के अलावा मिडिल ईस्ट में शांति का कोई और रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि वे अगले सप्ताह 28 मई को फिलिस्तीन को मान्यता देंगे। इससे पहले कुछ यूरोपीय देशों ने भी इसराइल को मान्यता देने की बात कही थी। 17 मई को स्पेन के पीएम पेत्रो सांचेज ने कहा था कि वे फिलिस्तीन को मान्यता देने पर विचार कर रहे हैं। इसके लिए वे अन्य देशों के साथ सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पीएम सांचेज ने इसी साल मार्च में भी कहा था कि अगर स्पेन, आयरलैंड, स्लोवेनिया और माल्टा के साथ मिलकर जल्द ही फिलिस्तीन को मान्यता देगा। वहीं आयरलैंड के विदेश मंत्री माइकल मार्टिन ने पिछले सप्ताह कहा था कि डबलिन इस महीने किसी भी कीमत पर फिलिस्तीन को मान्यता दे देगा। हालांकि उन्होंने इसकी कोई निश्चित तारीख नहीं बताई थी। 1988 के बाद यूएन के 139 देश फिलिस्तीन को आजाद राज्य की मान्यता दे चुके हैं। भारत ने भी फिलिस्तीन को एक आजाद राष्ट्र की मान्यता दे रखी है, लेकिन कई यूरोपीय देशों और अमेरिका ने ऐसा नहीं किया है। यही वजह है कि फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र का परमानेंट मेंबर नहीं बन सका। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीन को मान्यता देने से टू स्टेट सॉल्यूशन को लेकर बातचीत शुरू हो सकती। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।